हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो बिज़नेस क्या, हर चीज़ में रिस्क है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं, उसमें भी कब आपकी जॉब लगी, कब जाएगी, आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो बिज़नेस में हम रिस्क लेने से आखिरकार डरते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, जब हम कुछ स्टार्टअप करते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है। लगाने के कुछ समय बाद ही आपको उसका जो प्रॉफिट है वो आना, काफ़ी समय बाद आना शुरू होता है। 1-2 साल लगभग लग जाते हैं, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। अब क्या है कि जब आप स्टार्टअप करते हैं ना, तो सबसे पहला डर यही होता है कि क्या मैं सही काम करने जा रहा हूँ, क्या ये काम, ये बिज़नेस मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैंने जगह का चयन ठीक किया है, क्या मेरे कस्टमर्स यहाँ आएंगे। ये तमाम सवाल अगर आपके भी जहन में चल रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप स्टार्टअप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस को समझें और उस पर अच्छे से रिसर्च करें। किसी भी बिज़नेस में यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो असल में क्या है। एक स्टार्टअप को समझने के लिए आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं। साथ ही आप स्टार्टअप में निवेश करने का सोच रहे हैं, वो स्टार्टअप किस तरह का बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस के बारे में भी आपको रिसर्च करनी होगी, जिससे आप बाद में धोखा ना खाएं। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि आपको मुनाफा कमाना है। यदि आप किसी बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में पूरी तरह जानते नहीं हैं, तो आप कैसे मुनाफा कमाएंगे? टीम को जानें और समझें। यूं तो कोई भी व्यक्ति अकेले सभी काम कर सकता है और सफलता भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो काम जल्दी और सहजता से होता है। इसलिए आवश्यक है कि आप टीम को जानें और टीम के सदस्यों को समझें। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी की जानकारियां हासिल करते हैं। ऐसे में आवश्यक ये भी है कि कंपनी में काम करने वालों के बारे में भी आप जानकारियां हासिल करें। कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। किसी भी कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसकी वित्तीय स्थिति होती है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप जान लें कि आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, और कंपनी जमा राशि का उपयोग कैसे करती है, कंपनी अपने खर्चों को कैसे डिवाइड करती है, कौन कौन से खर्चों को मुख्य स्थान पर रखती है, भविष्य में कंपनी का टारगेट क्या है आदि। इस तरह के सवालों के जवाब पाने के बाद, पूरी संतुष्टि के बाद आप निवेश कर सकते हैं। निवेश का आकलन पूरी तरह करें। यदि आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं जिसमें एक काबिल टीम है, साथ में कंपनी में हर काम के लिए उचित प्लानिंग की जाती है, तो आप ऐसी कंपनी में कामयाबी पा सकते हैं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले जान लें कि आप जितनी राशि उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, क्या उसका मुनाफा आपको मिलेगा, क्या वो कंपनी इतनी सक्षम है कि आपके पैसों को डूबने ना दे आदि। निवेश करने से पहले इस बात पर ध्यान रखें कि स्टार्टअप भविष्य में कितना सफल होता है, कितना फेल। यदि आप जिस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, ऐसे में अगर कंपनी भविष्य में फ्लॉप हो जाती है तो आप कैसे अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। इस तरह की प्लानिंग पहले से करके रखें। हर संभवता का आकलन करके ही आप निवेश करें। कंपनी के डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की जरूरी दस्तावेजों की जांच पड़ताल आवश्यक करें। कंपनी का फाउंडर कौन है, को-फाउंडर कौन है, यानी कि संस्थापक निवेशक कौन है, नियंत्रक कौन है आदि। इस तरह की जानकारी बारीकी से निकालें और उन जानकारियों की पुष्टि भी करें। तो देखा आपने कि रिस्क फैक्टर तो चलो जो है वो है, लेकिन आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। बहुत सारे गाइडेंस हमने आपको दे दी है, इन पहलुओं पर आप काम कीजिएगा अगर आप सोच रहे हैं कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले, और भगवान का नाम लीजिए, बस अपना काम शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपके पास भी कोई आइडिया है हमें देने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। मुझे इजाज़त दीजिए और आगे आऊँगी आपकी पसंद के वीडियो के साथ। नमस्कार। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।